अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप टिकटॉक पर इनविटेशन कोड को कहां पर पुट कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हम टिकटॉक पर न्यू अकाउंट बना रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे पास जो है ना टिकटॉक इनविटेशन कोड पुट करने का जो ऑप्शन है वो हमें नहीं मिल रहा। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तरीका बताऊँगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल इरफान अली टी वी पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके आल को सिलेक्ट कर लें। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं मैं टिकटॉक को डाउनलोड कर लिया है और उस पर मैंने एक अकाउंट भी बनाया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ। अब मैं यहां पर कॉइन्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास भी ये ऑप्शन नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं कॉइन्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कॉइन्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये लोडिंग लेता है और उसके बाद आपके सामने जो कुछ इस तरह सा इंटरफेस आ जाता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है इन्विटेशन कोड पुट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा होगा मोबाइल टॉप अप, तो इसके करीब ही यहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिल रहा होगा। किसी के पास है और किसी के पास नहीं भी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर मैं इन्वाइट पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉइन्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास इन्विटेशन कोड तो आ जाता है लेकिन जो पुट करने का ऑप्शन है वो मेरे पास नहीं है। तो काफ़ी दोस्तों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हम किस तरह से जो है ना इनविटेशन कोड पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये कोड तो आ चुका है लेकिन वो इनविटेशन कोड पुट करने का जगह नहीं है। तो इस साइट पर आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर नज़र आ रहा होगा, वो मैंने एक न्यू मोबाइल लिया था तो उस पर मैंने टिकटॉक को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही मैंने अकाउंट बनाया और उसके बाद कॉइन्स के ऑप्शन पर क्लिक किया तो फिर मेरे पास जो है ना वो इन्विटेशन कोड पुट करने का ऑप्शन आ गया। जैसे कि यहाँ पर आप उस स्क्रीन रिकॉर्डर में देख सकते हैं मैं अपने कोड को वहां पर पुट करता हूं। जैसे पुट करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करता हूं तो मुझे यहां पर 30 रुपये भी मिल जाते हैं। तो काफ़ी दोस्तों को यही मैसेज आ रहे थे। भाई मैं आप लोगों को लेयर बात बता देता हूं कि अगर आपने पहले से टिकटॉक को डाउनलोड किया और उसके बाद दोबारा आपने उसको अनइंस्टॉल किया, फिर आपने न्यू अकाउंट बनाया और फिर आपने कॉइन्स के ऑप्शन पर चेक किया कि आपके पास इन्विटेशन कोड पुट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को क्लियर करके ये बताना चाहता हूँ अगर आपने पहले कभी टिकटॉक को डाउनलोड किया हुआ है, आपने उस पर अकाउंट बनाया हुआ है तो आपके पास ये ऑप्शन कभी नहीं आएगा। तो आप ये सोचना भी बात, हाँ अगर आपने अभी अभी न्यू मोबाइल लिया है, ठीक है, न्यू मोबाइल लेने के बाद आपने टिकटॉक को इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करने के बाद उस पर न्यू अकाउंट बनाया है, फिर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। विड्रा के नीचे आपको ये इन्विटेशन कोड पुट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। काफ़ी दोस्त कहेंगे कि हमने न्यू मोबाइल लिया फिर भी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आया होगा, तो भाई आप लोगों ने ये किया होगा अगर आपने पहले से दूसरे मोबाइल पर आपने अकाउंट बनाया होगा वही अकाउंट आपने दोबारा इस न्यू मोबाइल में भी लॉगिन कर दिया। अगर आपने वही अकाउंट जो है ना लॉगिन कर दिया फिर भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाना है और न्यू नंबर से बनाना है। अगर आपने पहले किसी नंबर से टिकटॉक को बनाया हुआ है, आईडी को बनाया हुआ है, फिर भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यू मोबाइल आपने ले लेना है और उसके बाद न्यू नंबर से आपने जो है ना टिकटॉक पर अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास न्यू नंबर नहीं है तो आप जीमेल से बना सकते हैं लेकिन आपने न्यू जीमेल बनाना है, ठीक है, तब आपको ये ऑप्शन जाकर मिलेगा। बाकी आप जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनविटेशन कोड मिल रहा है, अपने दोस्तों को सेंड करें, अगर उनके पास ये ऑप्शन है तो उनको कहो कि हमारा कोड जो है ना यूज़ करें, उनको भी कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे और आपको भी मिल जाएंगे। बाकी आप ये सोच रहे हैं कि आपको किसी दोस्त ने इन्वाइट किया और आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपके पास ये ऑप्शन कभी नहीं आएगा, ना ही ऐसा कोई ऑप्शन लाएगा टिकटॉक, ठीक है। टिकटॉक वालों का कहना है कि आपके पास अगर न्यू मोबाइल है तो उस पर हम ये ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी अगर आपके पास ओल्ड मोबाइल है उस पर आपने पहले से टिकटॉक को चलाया हुआ है तो आपको ये ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा। अगर आप 2000-3000 आईडी क्यों ना बना लो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला। हाँ अगर आपका न्यू मोबाइल है, आप पहले अकाउंट को न्यू अकाउंट को बनाएंगे, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाजमी से लाइक और शेयर करें। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।